ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के रद्द में आपने एक जवाब दिया था वीडियो, उसके नीचे एक भाई ने सवाल किया है कौन थी मोहम्मदी बेगम, आप हमें भी बता दें। मोहम्मद बेगम के हवाले से वैसे तो कभी अल्लाह ने तौफीक दी इंशाल्लाह एक तफसीली इसके ऊपर एक दर्स रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वैसे जो ना ये समझें, मिर्ज़ा कादियानी के रिश्तेदारों में अहमद बेग नामी एक आदमी था, ये उसकी बड़ी बेटी थी। मिर्ज़ा कादियानी इसके एक ज़मीनी इख्तलाफ, यानी इसका एक ज़मीन का कोई इख्तलाफ था, कोई झगड़ा था, उसमें मिर्ज़ा ने इससे ये शर्त रखी थी कि मैं वो ज़मीन तुम्हारे नाम कर दूंगा और इसके अलावा जो है दीगर भी तुम्हें चीज़ों से नवाजूंगा। मुझे ये अल्लाह की तरफ से वही की गई है कि तुम अपनी बड़ी बेटी का मुझसे निकाह कर दो। अब अहमद बेग जो है वो इस बात पर वो राज़ी नहीं हुआ, उसने अपने बेट अपने घर पर भी बात की और घर वालों ने भी जो है मकसद इसका इनकार कर दिया। और कुछ ही अरसे के अंदर सुल्तान मिर्ज़ा सुल्तान करके सुल्तान बेग नामी एक आदमी था, उससे जो ना मोहम्मदी बेगम का जो ना वो निकाह वो कर दिया गया। मिर्ज़ा साहब ने उन दिनों जो ना वो एक इश्तहार शाया करवाया कि मुझ पर जो ना ये वही की गई है कि 2 साल के अरसे में निकाह करने वाली औरत का बाप वो मर जाएगा और 2.5 साल के अरसे में ये जो मिर्ज़ा सुल्तान बेग था ये मर जाएगा। अब मिर्ज़ा साहब की जो ये पेशन गोई थी, उन पर आने वाली जो वही की का उनका जो वो दावा था वो हुआ ये, मिर्ज़ा साहब दुनिया से चले गए और उनके जाने के भी एक अरसे तक जो ना ये मिर्ज़ा सुल्तान बेग ज़िंदा रहा और मोहम्मदी बेगम भी ज़िंदा रही। हत्ता के मोहम्मदी बेगम तो बाद में सन 1900 के भी बाद, यानी कि तकरीबन कोई 40-50 के दरमियान में जो ना, मुझे सही याद नहीं है, मोहम्मदी बेगम का इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा साहब जो है वो 10 साल के अरसे में ही जो ना अपने अंजाम को पहुँच गए। तो मकसद ये है कि मोहम्मदी बेगम वो कैरेक्टर है कि अगर हम मुख्तसर बात करें तो मिर्ज़ा कादियानी की फितरी अय्याशी को वाजे करने के लिए मोहम्मदी बेगम के किरदार के ऊपर बात की जा सकती है। मोहम्मदी बेगम का किरदार ये वाजे कर देता है कि मिर्ज़ा कादियानी एक अय्याश तबीयत आदमी था। तो ये बात अच्छा, इसी में एक भाई ने जो है वो इसी के साथ में ऐड कर दूँ, एक भाई है जमील अहमद, कहते हैं मेहरबानी करके एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएं जिसमें इस फितने को अच्छी तरह एक्सपोज करें कि किस तरह ये गुलाम अहमद कादियानी के रास्ते पर चल रहा है, इस फितने से मुराद मिर्जा अली इंजीनियर। मिर्ज़ा जहलमी, जी मिर्ज़ा इंजीनियर, जी तो मामला ये है कि इसके हवाले से जो ना एक पूरी अल्लाह की तौफीक से एक वीडियो बनाने का इरादा है कि जिसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस बात को साबित करने की कि मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो मिर्ज़ा कादियानी के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। इसका तरीका वारदात बिल्कुल वही है जो इब्तिदा में मिर्ज़ा कादियानी का था। तो इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा, बहुत जल्द इस हवाले से एक वीडियो जो ना वो हवाला जात के साथ वो इंशाल्लाह अपलोड की जाएगी। सरे दस्त जो है वो एक नुक्ता जो है वो अब समझ लें, पहले भी मैंने इस हवाले से जब बात की थी तो मैंने तवज्जो दिलाई थी कि मिर्ज़ा कादियानी जो है ना शुरू में अपने आप को मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर पेश करता था और वह इख्तलाफी मसाइल के जो आर्य समाज या सिखों की तरफ से या हिंदुओं की तरफ से या ईसाइयों या यहूदियों की तरफ से इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात उठाए जाते थे तो मिर्ज़ा कादियानी उनके जवाब देता था, उनसे मुनादरे करता था। तो आज मोहम्मद अली मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का भी यही मामला है कि वो उसने पहले बहुत सारे अख्तलाफी जो मुसलमानों के दरमियानी अख्तलाफी जो मसाइल हैं उनके ऊपर उसने पहले अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए, एक अच्छा खासा एक लोगों का जम्मे गफ़ीर अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। जब लोगों का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो गया तो उसके बाद जो है ये मिर्ज़ा जहलमी ने सहाबा इकराम रिज़वानल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में अपने खब से बातिन का इजहार शुरू किया
और इसी तरह दीगर और बहुत सारी चीज़ों में इसका जो नज़रिया है महज सहाबा वाला मामला नहीं है, यह आदमी मुनकर हदीस भी है और बहुत जल्द इसका यह इनकार हदीस का फितना भी जो ना खुलेगा, आप देखिएगा। जावेद अहमद गामदी से तो यह हाथ मिला चुका है, हम बहुत जल्द देखेंगे कि ये जो ना ये यानी इनकार हदीस के हवाले से भी इसकी कुछ चीज़ें सामने आएंगी, और इसी तरीके से और दीगर अकायद हैं, दीगर इस्लामी मसाइल हैं, उनके बारे में भी ये बिल्कुल सल्फ से अलहदा जुदागाना रास्ता इख्तियार करेगा। बहरहाल इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भाई दुआ करें, बहुत जल्द इस हवाले से जो ना एक वीडियो अपलोड की जाएगी।